नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन, और वेतन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वेतन के स्थान पर लाभ। आज हम पढ़ेंगे अधिवार्षिकी निधि सुपर एन्युएशन फंड। ये एक प्रकार से सेवानिवृत्ति का लाभ माना जाता है। अधिवार्षिकी निधि सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड ये एक प्रकार से सेवानिवृत्ति का लाभ है, और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है या फिर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब अधिवार्षिकी निधि में से जो कोष में से जो पैसा है उसको देने की व्यवस्था की जाती है। अधिवार्षिकी निधि दो प्रकार की होती है, अनुमोदित और गैर अनुमोदित। अनुमोदित अधिवार्षिकी, इसमें इस प्रकार से राशि को कर योग्य करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में अगर कर्मचारी का अंशदान है तो वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है। जो अंशदान, कर्मचारी का अंशदान अगर की कटौती करके दी जाती है नियोक्ता द्वारा, तो फिर वो जो कटौती की गई है वो शुद्ध वेतन में वापस जोड़ दिया जाता है कर योग्य वेतन की गणना करने के लिए। तो कर्मचारी का अंशदान पूर्णतः कर योग्य होगा। फिर बात करते हैं नियोक्ता के अंशदान की, तो नियोक्ता का अंशदान यदि गत वर्ष में 150,000 रुपये से अधिक हो तो आधिक्य की राशि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत करियों के होगी। अगर नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान 150,000 रुपये से अधिक है तो जो आधिक्य की राशि है 150,000 रुपये से जितना भी उसने ज्यादा अंशदान किया है वो राशि आधिक्य की राशि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हो जाएगी। ये एक प्रकार का अनुलाभ माना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं ब्याज की, जमा राशि पर प्राप्त ब्याज या एकत्रित ब्याज। तो जो जमा राशि पर ब्याज एकत्रित होता है वो पूर्णतः करमुक्त होता है। हमने देखा था भविष्य निधि के संबंध में, जब वैधानिक भविष्य निधि है या फिर अप्रामाणिक भविष्य निधि है तो जो एकत्रित ब्याज है, जो जमा ब्याज जमा हो रहा है भविष्य निधि में, वो पूर्णतः करमुक्त होता है। लेकिन प्रामाणिक भविष्य निधि की दशा में जो ब्याज है 9.5% से अगर ज्यादा ब्याज प्राप्त हुआ है तो उसको कर योग्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में जो एकत्रित ब्याज है, जो प्राप्त ब्याज है कोष में, वो पूर्णतः करमुक्त होता है। तीसरी अगर हम बात करें एकमुश्त राशि की, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर एक निश्चित आयु प्राप्त कर ले या फिर कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाए, तब जो अधिवार्षिकी निधि की जो राशि है, जो कर्मचारी नियोक्ता का अंशदान है और उस पर जो जमा ब्याज है, वो राशि निकाल कर और उसको एकमुश्त राशि दे दी जाती है कर्मचारी को। तो जब एकमुश्त राशि दी जाती है और अगर अधिवार्षिकी निधि अनुमोदित है तो वो राशि पूर्णतः करमुक्त होती है, राशि कर योग्य नहीं होती। एकमुश्त राशि के संबंध में, भविष्य निधि के संबंध में जो नियम है वैधानिक
भविष्य निधि के संबंध में जो प्रावधान है वही प्रावधान यहाँ पर लागू होते हैं। तो एक राशि पूर्णतः गठित होती है। तो ये तो था अनुमोदित अधिवार्षिक निधि। दूसरा है, दूसरा प्रकार गैर अनुमोदित अधिवार्षिक निधि। इसमें भी जो कर्मचारी का अंशदान है वो कर योग्य होगा। अगर कटौती करके कर्मचारी को वेतन दिया गया है तो शुद्ध वेतन में कटौती की राशि जोड़ दी जाएगी, कर योग्य कर दिया जाएगा कर्मचारी का अंशदान। दूसरा नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः है कर्मुक्त होता है। नियोक्ता का अंशदान कर्मुक्त होता है। गैर अनुमोदित जो अधिवार्षिक निधि है, जो सुपर एनुएशन फंड है, इस पर अप्रमाणित भविष्य निधि वाले प्रावधान लागू होते हैं। तो गैर अनुमोदित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कर्मुक्त होता है और जो एकत्रित जमा ब्याज ब्याज की राशि वो भी पूर्णतः कर्मुक्त होती है। और बात करते हैं एकमुश्त राशि। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या फिर जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब जो पैसा दिया जाता है एकमुश्त राशि दी जाती है अधिवासी के रूप में से, तो उस अधिवासी की जो एकमुश्त राशि है उसके संबंध में वही प्रावधान लागू होंगे जो अप्रमाणित भविष्य निधि के संबंध में लागू हो रहे थे। यहां पर क्या होगा कि नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान एवं अंशदान पर जमा ब्याज की राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है। जब एकमुश्त राशि प्राप्त होती है गैर अनुमोदित अधिवासी की निधि में से, तो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, जो जमा ब्याज की राशि है, वो दोनों ही वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय मानी जाती है, वेतन की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है। और कर्मचारी का अंशदान जो है, कर्मचारी का अंशदान कर्मुक्त होता है। और जो कर्मचारी के अंशदान पर जो जमा ब्याज की राशि जो प्राप्त हुई है वो अन्य साधनों से आय के अंतर्गत किसके शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है, वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाता। तो जो एकमुश्त राशि प्राप्त हुई है उसमें नियोक्ता के अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर जो ब्याज की राशि प्राप्त हुई है उन दोनों को ही केवल वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होता है और कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। अब हम वेतन के स्थान पर लाभों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। पहला है महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी। व्यवसाय के लिए कुछ व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ऐसा कर्मचारी जिसने व्यवसाय की प्रगति में काफी योगदान दिया हो, जो व्यवसाय का पूरा नॉलेज रखता हो, अगर ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है व्यवसाय के लिए, अगर वो शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय को काफी हानि होती है। तो उस हानि से बचने के लिए जो नियोक्ता है वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर परिपक्व हो जाए, अगर जिस उद्देश्य के लिए वो लिया है अगर वो उद्देश्य नहीं हो, मतलब अगर अभी जो कर्मचारी है वो सही सलामत है, किसी प्रकार से उसमें अयोग्यता नहीं आई है या फिर उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित है, तब क्या होता है, इस पॉलिसी की परिपक्वता पे पॉलिसी की राशि बोनस सहित नियोक्ता को जिस कंपनी ने वो पॉलिसी ली है उसको प्राप्त होती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की राशि अगर प्राप्त होती है कंपनी व्यवसाय को प्राप्त होती है तो उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए वो व्यवसाय से
आय मानी जाती है। और अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से अगर कुछ हिस्सा कर्मचारी को दे दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस कीमैन को, उस कर्मचारी को अगर उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है उस पॉलिसी की राशि का, तो वो जो पॉलिसी की राशि है वो उस कर्मचारी की वेतन की आय मानी जाएगी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में से अगर कर्मचारी को कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो वो उस कर्मचारी की वेतन की आय मानी जाती है। दूसरा है अग्रिम नोटिस का वेतन। कई बार कंपनी अपने कर्मचारी को नोटिस दे देती है कि आपको एक महीने के अंदर अंदर ये नौकरी छोड़नी है, या कुछ समय बता दिया जाता है और वो किसी कारणवश उसको कंपनी से हटा रही होती है, चाहे छंटनी के कारण हटा रही हो या फिर किसी जो कार्यवाही के कारण हटा रही हो। तो अगर कंपनी कर्मचारी को नोटिस दे देती है, नियुक्त द्वारा अगर कर्मचारी को नोटिस दे दिया जाता है कि आपको अभी ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और उस नोटिस अवधि का जो भी वेतन दिया जाता है वो वेतन अग्रिम नोटिस का वेतन कहलाता है और वो कर्मचारी की वेतन की आय मानी जाती है, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है। कई बार कर्मचारी को नौकरी प्रारंभ करने से पूर्व या नौकरी समाप्ति के बाद भी वेतन दे दिया जाता है, तो ऐसा वेतन भी वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य होता है। अब हम बात करेंगे वेतन में से कटौती। वेतन शीर्षक की आय में से कुछ कटौतियां दी जाती हैं, किसी भी करदाता की सकल कुल आय में से भी कटौतियां दी जाती है, लेकिन वो सारी सकल कुल आय की गणना करने के बाद दी जाती है। उसी प्रकार वेतन की जो सकल आय है उसकी ग्रोथ सैलरी की गणना करने के बाद भी कुछ कटौतियां दी जाती है, उनके बाद वेतन में से कटौती। पहली कटौती दी जाती है प्रमाणिक कटौती के नाम से, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के पीछे उद्देश्य ये है कि कर्मचारी को अपनी नौकरी के उद्देश्य से कुछ खर्चा करना पड़ता है और वो जो खर्चा है वो अपने वेतन में से ही करता है, जैसे घर से कार्यालय आने जाने का खर्चा, या फिर जो वो वहाँ पे जो यूनिफॉर्म पहन के जाता है उसके रखरखाव का खर्चा, तो इस प्रकार के कुछ व्यक्तिगत खर्चे करने पड़ते हैं नौकरी के उद्देश्य से। तो उन खर्चों की राहत देने के लिए आयकर अधिनियम जो है उसके अंदर प्रावधान है वेतन में से प्रमाणित कटौती दिए जाने का। तो प्रमाणित कटौती के लिए जो है कर्मुक्त जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कटौती दी जाती है वो 40,000 रुपये या वेतन की कुल राशि दोनों में से जो भी कम हो। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो या तो 40,000 रुपये की या फिर उसकी वेतन की जो कुल राशि है, सकल वेतन जो इसका बन रहा है उसके बराबर दे दी जाएगी, यानी 40,000 रुपये या फिर वेतन की कुल राशि, इन दोनों में से जो कम होता है, जो भी राशि कम है उसके बराबर की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाती है वेतन की कुल आय। दूसरी कटौती है मनोरंजन भत्ते की कटौती। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता अगर कर्मचारी को दिया जाता है तो पहले तो उसको वेतन की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जो उसके वेतन की कुल आय है उसमें से मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है। मनोरंजन भत्ते देने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि कर्मचारी को, अधिकारी को जो बाहर से जो विजिटर्स आ रहे हैं कंपनी में, संस्था में, उनको एंटरटेन करना पड़ता है, उनको अटेंड करने पर उनके जैसे चाय नाश्ते के खर्चे हुए, इस प्रकार के कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जो खर्चे एक बार के लिए तो जो कर्मचारी अपनी जेब से करता है, तो उसके बदले जो बाहर से विजिटर्स आए हैं यानी सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या फिर किसी भी विभाग से कोई अधिकारी आ रहा है, कोई
तो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको जब अटेंड किया जाता है तो कर्मचारी कुछ खर्चे करता है, वो अपनी जेब से करने पड़ते हैं, उनके उन खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए मनोरंजन भत्ता दिया जाता है उनके मनोरंजन के लिए जो बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं। तो ऐसा भत्ता पहले वेतन की आय में जोड़ दिया जाता है और फिर वेतन की कुल आय में से कटौती दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसी कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ये कटौती अलाउड है, और सरकारी कर्मचारियों में भी केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऐसी कटौती दी जाती है, बाकी किसी भी कर्मचारी को ये कटौती वेतन की कुल आय में से नहीं दी जाती। इस कटौती के संबंध में हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि कटौती के रूप में दी जाए। तो वास्तविक प्राप्त राशि, जो मनोरंजन भत्ते के रूप में जो वास्तविक प्राप्त राशि हुई है वो, दूसरा 5,000 रुपए, और तीसरा है मूल वेतन का 20%। इन तीनों में से वास्तविक प्राप्त राशि 5,000 रुपए, मूल वेतन का 20%, इन तीनों में से जो भी सबसे कम हो उस राशि के बराबर की कटौती दे दी जाती है एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में। तीसरी हम बात करेंगे रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स चुकाया गया है, रोजगार पे कर अगर चुकाया गया है, तो उसकी कटौती भी जो वेतन में से आए है उसमें से दे दी जाएगी। जितना भी उसने कर चुकाया है गत वर्ष में उसकी पूरी की पूरी राशि की कटौती यहां पे दे दी जाएगी, इसको डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि जो रोजगार पर कर लगाया जाता है वो नियोक्ता द्वारा चुका दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब नियोक्ता द्वारा रोजगार पर कर चुकाया जाता है कर्मचारी के बिहाफ पे, तो वो जो कर की राशि है वो वेतन की कुल आय में सम्मिलित कर ली जाएगी, और जब वेतन की कुल आय में से जो कटौतियां दी जाएगी उस समय उस राशि की जो कि वेतन की कुल आय में सम्मिलित की गई थी रोजगार पर कर की राशि, उस राशि की कटौती वापस कटौतियों के रूप में जब हम कटौतियां देंगे वेतन में से उस समय जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा, कटौती दे दी जाएगी। इस क्लास में हमने पीएफ के संबंधित कुछ प्रावधानों की बात की थी, प्रावधान पढ़े, उनके बारे में समझा। आज हम उससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे पीएफ के प्रावधानों के संबंध में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, गत वर्ष 2018-19 के लिए वेतन की सकल आय की गणना करनी है। एक कर्मचारी मुंबई की किसी कंपनी में कार्यरत है और उसका मूल वेतन है 8,000 रुपए। महंगाई भत्ता उसको दिया जा रहा है 1,500 रुपए प्रतिमाह, मकान किराया भत्ता है 1,800 रुपए प्रतिमाह, बोनस है 400 रुपए प्रतिमाह, और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि महंगाई भत्ता और जो बोनस है, महंगाई भत्ता 1,500 रुपए प्रतिमाह है और जो बोनस है 400 रुपए प्रतिमाह, ये दोनों अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब गत वर्ष में देय हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, महंगाई भत्ता और बोनस गत वर्ष में अभी तक प्राप्त नहीं हुए। बिक्री पर कमीशन है 2% और बिक्री है 5,00,000 रुपए की। कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है, तो यहां पर एक बात तो हमको पता चल गई कि वो स्वयं के मकान में रहता है, इसलिए जो मकान किराए भत्ते की जो राशि है वो पूरी की पूरी राशि कर योग्य होगी। अगर वो किराए के मकान में रहता उस स्थिति में हम फिर मकान किराए भत्ते की कर्मुक्त राशि की गणना करते, लेकिन यहाँ पर वो स्वयं के मकान में है तो पूरी की पूरी की राशि जो है कर योग्य हो जाएगी। वेतन एवं महंगाई भत्ते का 15% भविष्य निधि में अंशदान करता है एवं नियोक्ता भी उतना ही अंशदान करता है। अब यहाँ पे भविष्य निधि के संबंध में बात आई है कि वेतन और महंगाई भत्ते का 15% भविष्य निधि में अंशदान होता है कर्मचारी द्वारा और उतना ही नियोक्ता भी अंशदान करता है। भविष्य निधि खाते में गत वर्ष में 13% वार्षिक दर से 11,700 रुपए ब्याज के जमा हो। इस क्वेश्चन में हम अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो रखेंगे भविष्य निधि की राशि की गणना में। तो हमने पहले प्रावधानों की बात कर ली और अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके देखेंगे।
तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, अलग अलग स्थितियाँ ले लेंगे, अलग अलग स्थितियाँ ले लेंगे कि अगर ये कर्मचारी का खाता वैधानिक भविष्य निधि में हो, या फिर प्रमाणित भविष्य निधि में हो, या फिर अप्रमाणित भविष्य निधि में खाता हो, तो तीनों स्थितियाँ लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे सबसे पहले। यहां पे तीनों स्थितियां लेके चलेंगे, तो एक काम करते हैं कि तीनों कॉलम साथ में बना लेंगे। यहां पर ये मान के चले कि ये स्टेच्यूटरी पीएफ है इसका, यहां पे रिकॉग्नाइज्ड पीएफ है, और इसका अप्रमाणित भविष्य निधि है। तो तीनों स्थिति में क्या होगा, बेसिक सैलरी 8,000 रुपये प्रतिमाह, 96,000 साल भर की, महंगाई भत्ता है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन देय हो चुका है, तो इसको वेतन के आय में शामिल कर लीजिए। हमने पढ़ा था कि वेतन चाहे प्राप्त हो या प्राप्य हो, देय हो, दोनों में से जो भी घटना पहले हो जाती है उसके आधार पर हम वेतन की आय पर कर लगा देते हैं। तो डीएनएस अलाउंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन प्राप्य हो चुका है, तो कर लगा दिया जाएगा, वेतन में शामिल कर लिया जाएगा। 1500 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने के लिए 18,000 रुपये। मकान किराया भत्ता, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस की राशि पूरी की पूरी करियों की होगी, क्योंकि वो खुद के मकान में रहता है, 1800 रुपये, तो इसकी राशि हो गई, कैलकुलेट करते हैं, 21,600। हाउस रेंट अलाउंस है 21,600, 1800 को 12 से गुणा करने पर बोनस, बोनस के संबंध में एक चीज ध्यान रखनी है, केवल यही एक इनकम ऐसी है बोनस जो प्राप्य होने पर या देय होने पर करयोग्य नहीं होती। बोनस जब तक वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता वेतन की करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, यह बहुत महत्वपूर्ण यहां पे ध्यान देने लायक बात है। तो स्टेशन लिखा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो बोनस को प्राप्ति के आधार पर करयोग्य बनाया जाता है, वेतन के आय में शामिल किया जाता है। अगर केवल घोषणा हुई है तो इस आधार पर इसको हम वेतन के आय में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर जब बोनस प्राप्त नहीं हुआ है तो ये वेतन के आय में शामिल नहीं किया जाएगा। बिक्री पर कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स 2% चलेंगे 5,00,000 का, बिक्री का 2% कमीशन दिया जाता है, 2%, तो 5,00,000 का 2% होगा 10,000 रुपये। तीनों स्थितियों में चाहे इसका वैधानिक भविष्य निधि हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड अप्रमाणित भविष्य निधि हो, चाहे अप्रमाणित भविष्य निधि हो, इन सारी राशि की गणना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल पीएफ की राशि की गणना के संबंध में। बिक्री पर कमीशन हो गया, कर्मचारी स्वयं के पर वेतन या महंगाई भत्ते का 15% भविष्य निधि में अंशदान करता है, एवं नियोक्ता भी उतना ही अंशदान करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि कर्मचारी का अंशदान चाहे किसी प्रकार की भविष्य निधि हो करयोग्य होता है, और अगर कर्मचारी का अंशदान वेतन में से काट कर शुद्ध वेतन दिया जाता है, और वही शुद्ध वेतन अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हम उस शुद्ध वेतन में वापस कर्मचारी का अंशदान की राशि जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि यहाँ पर शुद्ध वेतन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है इसका जो ग्रोस सैलरी की दी हुई है सकल वेतन दिया हुआ, कर्मचारी का अंशदान यहाँ पे शामिल ही है, इसलिए कर्मचारी के अंशदान के बारे में हमको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम बात करते हैं नियोक्ता के अंशदान की, तो नियोक्ता का अंशदान
वैधानिक भविष्य निधि और अप्रमाणिक भविष्य निधि, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन दोनों स्थितियों में जो है नियोक्ता का अंशदान करमुक्त होता है। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से अगर अधिक है तो अधिक की राशि को वेतन में शामिल कर लिया जाता है। तो यहां पर 15% है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो नियोक्ता का अंशदान है वो वैधानिक भविष्य निधि और अप्रमाणित भविष्य निधि के स्थिति में करमुक्त होता है, लेकिन प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में 12% से अगर ज्यादा है तो वो कर योग्य होता है। यहां 15% है तो 15% हम देखेंगे वेतन का, 15% निकालेंगे तो वेतन में वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन, तीनों चीजें शामिल होती है। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 1,14,000 और 1,24,000, 1,24,000 का 15% निकालेंगे तो 17,100 तो आता है 17,100 में से लेस कर देंगे 12% ऑफ सैलरी, 1,24,000 का 12% हम लेस कर देंगे क्योंकि आ रहा है 14,800। तो जो 12% से जो अधिक की राशि है वो प्रमाणित भविष्य निधि में कर योग्य होती है, नियोक्ता के अंशदान की राशि 12% से जो भी अधिक होती है वो कर योग्य होती है प्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में। तो इसको हम कैलकुलेट कर 17,100 में से 14,880 आ रहा है, 880 अगर माइनस करते हैं तो आता है 2,220। तो नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान तो शामिल है और नियोक्ता के अंशदान को 12% से जो भी अधिक राशि है उसको हमने यहां पे प्रयोग कर दिया। अब बात करेंगे ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन पीएम, ठीक है, जो भविष्य निधि के खाते में जो ब्याज जमा होता है प्रतिवर्ष वो वैधानिक भविष्य निधि और अप्रमाणिक भविष्य निधि की स्थिति में करमुक्त होता है वो राशि, लेकिन प्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में 9.5% से ज्यादा, 9.5% से अगर ज्यादा की राशि जमा हो रही है प्रतिवर्ष तो अधिक की राशि कर योग्य कर दी जाती है। तो हम यहां देखेंगे कि 13% है, ये तो 13% है 11,700 और इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट है 9.5% इसमें से लेस कर देंगे तो पूरा 11,700 जो है वो 13 के बराबर है, तो 9.5% कितना होगा वो हम इसमें से लेस कर देंगे, 8,550 आता है 9.5%। तो जो अधिक की राशि है यानी 3.5% जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 3,000। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी नियोक्ता का अंशदान था वो 12% तक करमुक्त कर दिया और अधिक की राशि कर योग्य कर दिया, तो पूरा 15% था 17,100, 12% होता है 14,880, तो जो बैलेंस बचा जो अधिक की राशि थी 2,220 रुपये हमने कर योग्य कर दिया और वेतन के आय में सम्मिलित कर दिया जब प्रमाणित भविष्य निधि अगर है की दशा में। ब्याज, जो ब्याज जमा होता है भविष्य निधि खाते में उसके संबंध में क्या है कि वैधानिक भविष्य निधि और अप्रमाणित भविष्य निधि की दशा में वो करमुक्त होता है और अगर प्रमाणित भविष्य निधि है तो वो 9.5% तक करमुक्त होता है। तो यहाँ इसको 13% मिल रहा था 11,700, इसमें से हमने 9.5% माइनस कर दिया और जो बैलेंस है जो अधिक के साथ वो यहाँ पर कर योग्य कर दिया। तो इस प्रकार इसकी सकल कुल आय की गणना की तीनों स्थितियों में। तो इस प्रकार से हमने पीएफ के संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा
आशा करता हूँ कि ये प्रावधान समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुलाभों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।